गुड मॉर्निंग क्लास, आज हम अपना प्रोग्राम नंबर 12 डिस्कस कर रहे हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ एनी इक्वेशन यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। सपोज आपके पास इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। तो हम एक इक्वेशन के जरिए, क्वेश्चन के जरिए अपना पहले बाइसेक्शन मेथड समझते हैं कि बाइसेक्शन मेथड में हम करते क्या हैं। तो आपके पास एफ एक्स यानी कि फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस फोर, सिर्फ एक्स से नोटेशन दो या आप इसे वाई से भी दे सकते हैं नोटेशन, तो आपकी च्वाइस है। क्योंकि हम जब प्रोग्राम अपना करेंगे, सीखेंगे, तो उसमें हमने वाई से नोटेशन दी हुई है क्लास। तो अब यहाँ पर एक्स को इनिशियल वैल्यू दी मैंने जीरो, तो यहाँ पर फंक्शन में एक्स की जगह जीरो पुट किया, जीरो का क्यूब माइनस जीरो माइनस फोर, तो कितना आया जीरो माइनस जीरो माइनस फोर आया। एफ ऑफ जीरो कितना है माइनस फोर विच इज नेगेटिव। नाउ पुट x इज इक्वल टू वन इन एफ ऑफ एक्स वी विल गेट, जहाँ पर x है वहाँ पर आप वन पुट करेंगे, वन का क्यूब माइनस के फोर है, प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो गया, माइनस फोर आया आपके पास, वन पुट करेंगे यहाँ पर, तो वन का क्यूब वन ही रहा, माइनस वन, प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो गया, माइनस फोर अगेन नेगेटिव आया। आप कब तक चलाएंगे इसको, वैल्यूज जीरो वन टू थ्री पुट कब तक करेंगे क्लास, जब तक चेंज ऑफ साइन नहीं आ जाता। अब टू पुट किया, एक्स इज इक्वल टू टू इन इक्वेशन वन, यू विल गेट एफ ऑफ टू इज इक्वल टू टू क्यूब माइनस टू माइनस फोर, टू क्यूब इज एट माइनस टू माइनस फोर, दैट इज एट माइनस सिक्स विच इज टू विच इज पॉजिटिव। नाउ अब साइन पॉजिटिव आ गया, तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, जिन वैल्यू के लिए चेंज ऑफ साइन आया, यानी कि जीरो से वन में साइन चेंज नहीं आया था, तो जीरो से वन नहीं लेंगे, अब आपके पास वन से टू लेंगे। तो जब हम अपने प्रोग्राम में करेंगे, जीरो से वन में कोई साइन ऑफ चेंज नहीं आया। देखिए आपके पास यहाँ से यानी कि एफ ऑफ जीरो स्टार, स्टार यानी कि मल्टीप्लीकेशन, इनकी मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो नेगेटिव है दोनों का साइन, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर देन जीरो बन जाएंगे, और वहीं पे आपके पास लूप खत्म हो जाएगा और आपको आउटपुट में मिलेगा इनिशियल वैल्यूज या रूट्स आर नॉट सुटेबल, सुटेबल नहीं है। ठीक है, अगर आपके सेम साइन, देखो या तो दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव कब मिलता है मल्टीप्लीकेशन में, या तो दोनों पॉजिटिव हो जाए या दोनों नेगेटिव, जैसे नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लीकेशन में पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि सेम साइन के होंगे, तो आपके पास ये मैसेज प्रिंट होगा आपके प्रोग्राम में, रूट्स आर नॉट सुटेबल। अगर वो डिफरेंट साइन के होंगे तभी वो लूप आगे चलेगा, और आपके पास सीन्स एफ वन नेगेटिव है, एफ टू पॉजिटिव है, डिफरेंट साइन के, तो इनिशियल वैल्यूज क्या कंसिडर होगी हमारी, वन एम टू। तो यानी कि जो हमारा गिवन इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन, इसका जो रूट आएगा, यानी कि जो रूट, जो वैल्यू ऐसी एक्स की वैल्यू जिसको सेटिस्फाई करेगी, वो वन और टू के बीच में लाई कर रहा है। तो बेसिकली हम कहते हैं, जैसे जूनियर क्लासेस में हम मैग्नीफिकेशन करते होते, हम इसको मैग्नीफाई कर करके देखेंगे बाइसेक्शन मैथड के थ्रू, कि और रूट्स के, रूट के पास जाएंगे। ठीक है, करेक्ट अप टू थ्री डेसिमल प्लेसेस तक का है, तो थ्री तक जैसे भी क्वेश्चन में बोलेगा, तो वन टू टू के बीच में आपने क्या है, हमें पता है कि नाउ हमारा रूट वन टू टू के बीच में लाई करता है। तो यहाँ से क्लियर हो गया है कि वन एफ ओ वन और एफ ओ टू ऑफ अपोजिशन सो दर रूट्स लाइज बिटवीन वन एंड टू। तो फर्स्ट एट्रिशन लगाएंगे, मिड वैल्यू निकालते हैं। मिड वैल्यू क्लास निकालने का ये फॉर्मूला होता है, वैल्यूज को ऐड करके टू से डिवाइड करते हैं, तभी तो इनकी मिड वैल्यू आएगी, बीच की वैल्यू। ठीक है, 1.5 इनकी मिड वैल्यू है। ठीक है, तो आप क्या है, वन और टू की मिड वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, फर्स्ट एट्रिशन है, दोनों को ऐड करके टू से डिवाइड कर दीजिए, 3/2 विच इज 1.5। फिर एफ ऑफ 1.5 हम चेक करते हैं, यानी कि जो फंक्शन है हमारा, गिवन फंक्शन है, उसमें एक्स की जगह 1.5 पुट करेंगे, तो क्या आएगा, 1.5 का क्यूब माइनस 1.5 माइनस 4। तो क्लास यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे, 1.5 का क्यूब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आपके पास ये वैल्यू मिलेगी 1.5, एफ ऑफ में पुट करेंगे नेगेटिव, और यू नो दैट एफ ऑफ ऑलरेडी निकालना है पॉजिटिव, तो चेंज ऑफ साइन जहाँ मिल गया है वही फिर नेक्स्ट हमारी इनिशियल वैल्यू का काम करेंगे, नेक्स्ट दो रूट्स बनेंगे, और जहाँ चेंज ऑफ साइन नहीं मिलता तो इसको रिजेक्ट कर देते हैं, और फिर मैसेज प्रिंट हो जाता है, रूट्स आर नॉट सुटेबल। तो 1.5, अब पहले तो 1 और 2 के बीच में था, अब और पास आ रहे हैं, अब हम पता है 1.5 और 2 के बीच में, धीरे धीरे फिर जो दो रूट्स हैं, फिर सेकेंड अट्रिशन लगाएंगे, कम से कम आप आज से 8 से 9 अट्रिशन लगाएंगे फॉर द एक्यूरेट रिजल्ट, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी आए और एरर कम आए। तो ऐसे ही आप सो ऑन करते जाएंगे। अब जैसे कि चेंज ऑफ साइन आ गया 1.7 टू 1.75 टू 2 के बीच में, तो हम ऐसे आफ्टर 8 एट्रेशन हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे, आप इसे कीजिएगा अपने सॉल्व। ठीक है, और आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे आफ्टर 8 एट्रेशन, तो आपका
रूट फाइनली आ जाएगा 0.793 एंड 1.797। हम कहाँ अभी तक इसका क्यों भरे हैं, क्योंकि एटलीस्ट हमें डेसिमल के बाद थ्री प्लेस तो चाहिए ही थे, तो इसलिए थोड़ा हमें आगे बढ़ना पड़ा। फाइनली टेंथ अल्ट्रेशन तक हमने इसको करा और फिर वहाँ से जो मिड वैल्यू आई है हमारी उस पर जो एफ है वो नेगेटिव मिला है, और हमें पता है एफ टू पॉजिटिव है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली मतलब हमें मिल गया अपनी टेंथ अल्ट्रेशन के जो है मिड वैल्यू जो मिली है, यानी कि ये आपका क्या रिक्वायर्ड रूट है जो कि हमने डेसिमल के बाद थ्री प्लेसेस तक निकालना है जैसे इन्होंने बोला है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा ऑपरेशन लगाएंगे उतनी ज़्यादा आप एक्यूरेसी की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो बाइसेक्शन मेथड क्लास ये था कि आपने पहले चेंज ऑफ साइन देखना है, जिन दो बीच के दो रूट्स के बीच में चेंज ऑफ साइन है उनके मिड वैल्यू निकालेंगे, फिर उस मिड वैल्यू और जो उससे जो नेक्स्ट हाइयर है उसमें देखना है, और ऐसे करते करते हम अपनी एक्यूरेसी तक पहुँच जाएंगे क्लास। ठीक है, तो ये इस तरीके से बाइसेक्शन मेथड का। अब हम देखते हैं कि प्रोग्राम में अपना लूप कैसे हमारा वर्क करता है, जो आज मैंने आपको पीडीएफ लिखी थी, आप इसको गो थ्रू करना पीडीएफ को। हमारा प्रोग्राम 12 है, प्रोग्राम टू फाइंड प्रोग्राम टू फाइंड रूट्स ऑफ अ इक्वेशन यूजिंग बाइसेक्शन मेथड प्रोग्राम 12। तो हमने सबसे पहले हेडर फाइल्स दी, हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैशटैग इंक्लूड कोनिया डॉट एच, हैशटैग इंक्लूड मैट डॉट एच, मेन फंक्शन अपना लूप शुरू किया। फ्लोट है आपके पास एफ, आपके पास आपको पता ही है कि जो फंक्शन है कैसा है, फ्लोट, फ्लोट वैल्यू यानी डेसिमल वैल्यू, इंट यानी इंटीजर वैल्यू। तो जो आपके एक्स नोट एक्स वन है, ठीक है, ये कैसे हैं, हमने फ्लोट टाइप के ले लिए हैं क्योंकि आपको पता ही है कि एक्स नोट एक्स वन फ्लोट में इंट भी इंक्लूड हो रहा है। आपको पता ही है ना कि जैसे ये एक्स वन एक्स टू है तो फ्लोट भी डेसिमल में आ रहे हैं, डेसिमल में आ रहे हैं। ठीक है, तो और जो ये वाई टू वाई नोट वाई टू है, ये क्या चीज़ है, ये वैल्यूज़ हैं एफ की, वैल्यूज़ हैं जो ये है ना, यहाँ से इनको y2 से नोटेशन दी है, x0 x1 y0 x2 y2, और e जो है हमारा मैक्सिमम एरर के लिए है। तो क्लियर स्क्रीन, जो पिछले प्रोग्राम के आउटपुट है उसको क्लियर करने के लिए, और हमने फिर इनपुट कराया अपनी स्टेटमेंट, एंटर द इनिशियल वैल्यू ऑफ फ्रूट, वैल्यू इनिशियली जो है हमने एंटर कराई, जैसे हमने यहाँ पर हमारी इनिशियल वैल्यू क्या आई थी, 1 2 आई थी। आप 0 1 प्रिंट कराओगे, एंटर कराओगे तो क्या मैसेज प्रिंट होगा, रूट्स आर नॉट सुटेबल, 1 2 कराओगे तो फर्दर लूप चलेगा। तो ऐसे ही आपने इनिशियल वैल्यू करी है, फिर उसको रीड करा है, उसको हमने मेमोरी में स्टोर करा है, और ये एम परसेंट उसका एड्रेस है, हैशटैग आपने क्या किया स्कैन एफ में परसेंटेज एफ यानी कि फ्लोट टाइप के हैं हमारे एक्स नॉट एक्स वन है। फिर हमने क्या किया मैक्सिमम एरर प्रिंट कराया, ठीक है, और उसको फिर हमने मेमोरी में रीड करा दी, मतलब मेमोरी में स्टोर करा दिया, रीड करा दी। अब आपको पता ही है कि जैसे इसने किया था पहला स्टेप, 0 पुट किया, 1 पुट किया, 2 पुट किया, 1 और 2 हमारी इनिशियल वैल्यूज बनी, तो एफ ऑफ 1 हमने इसको वाई नोट में स्टोर कर दिया, एफ ऑफ 2 यानी इसको वाई 1 में, यानी कि जो हमारी इनिशियल वैल्यू है एक्स नोट जो भी बनेगी, सपोज यहाँ पर हमारी इनिशियल वैल्यू बनी 1, तो ये हमारा एक्स नोट का काम करेगी, फाइनल वैल्यू बनी 2 तो एक्स 1 का काम करेगी, तो जो एफ 1 है ये वाई नोट का काम करेगा, एफ 2 वाई 1 का काम करेगा यहाँ से। और ये देखिए अगर आपके पास, फिर हमने देखा इन दोनों के साइन, जैसे कि एफ जीरो और एफ वन का साइन जो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन रहे थे, तो वहीं पे हमारा लूप स्टॉप हो गया, प्रिंट हो गया मैसेज रूट्स आर नॉट सुटेबल। अगर आपके पास नेगेटिव साइन है, यानी कि नेगेटिव कब देगा, दोनों की प्रोडक्ट नेगेटिव कब देगी, जब एक नेगेटिव होगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव तब मिलेगा, या ये पॉजिटिव हो जाए चाहिए ये नेगेटिव, एक नेगेटिव होना जरूरी है। वैसे ही क्लास अगर ये पॉजिटिव होगा, यानी कि इन दोनों की प्रोडक्ट पॉजिटिव होगी, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, तो मैसेज प्रिंट हो जाएगा, रूट्स आर नॉट सुटेबल, प्रोग्राम का एंड हो जाएगा, गो टू एंड। व्हाइल फैब क्लास अपने प्रोग्राम में इसमें करेक्शन कर लेना, जो मैंने आपको पीडीएफ पेजेस में 4 था गलती से हो गया था, ये फैब्स है, फैब यानी एब्सोल्यूट वैल्यू है, कि जो आपका एक्स वन माइनस एक्स नॉट है, जैसे हमारा एक्स वन कितना था, मेरे पास एक्स नॉट जो था कितना है, यहाँ पर इस वाले एग्जाम्पल के लिए 1 था, और एक्स वन कितना था, 2 था इस वाले एग्जाम्पल के लिए, 1 2, ठीक है, तो ये 2 माइनस 1 कितना आ गया, 1, 1 इज ग्रेटर देन एरर, एरर बहुत छोटा लोगे 0.0 समथिंग में, तो ये अगर ऐसा है
तब आपके पास एब्सोल्यूट बोल रहा है कि अगर ये डेसिमल में भी आ रहा है तो यू कैन टेक इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू, नेगेटिव में आ रहा है सॉरी, तो यू कैन टेक इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये अगर ऐसा है, जब तक एरर से ग्रेटर रहेगा फिर आपका लूप वर्क करेगा, फिर आप निकालोगे मिड वैल्यू। मिड वैल्यू निकाल ली थी ना हमने 1 + 2/2 1.5, तो वो 1.5 हमारी मिड वैल्यू है, वो क्या काम करेगी एक्स टू का। फिर हमने क्या किया था, इस 1.5 की वैल्यू फंक्शन में पुट करके देखा था, ये नेगेटिव आई थी, तो ऐसे ही 1.5 की वैल्यू फंक्शन में पुट करोगे वो हमारा एफ ऑफ एक्स टू है जो कि वाई टू में स्टोर हो जाएगा। अगर अगेन ये पॉजिटिव आया तो इसका मतलब क्या है, अगर साइन पॉजिटिव आया, ठीक है, सपोज अगर यहाँ पर नेगेटिव ना आके ये नेगेटिव ना आके पॉजिटिव ही आ जाता, तो ये हम हाँ, दोनों का चेंज नहीं है साइन, तो यहीं पे पॉजिटिव पॉजिटिव इन दोनों को फिर नहीं लेते, फिर फर्दर हमारा नहीं चलता, वहीं स्टॉप हो जाता, तो हमारा यही फाइनल आंसर होता कि इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पर जो हमारा एक्स टू है, यानी कि वो जो एक्स नोट है, अगर ऐसा पॉजिटिव होगा तो वो एक्स टू के इक्वल हो जाएगा, अदरवाइज एल्स अगर ये नेगेटिव होगा तो वो एक्स वन के इक्वल हो जाएगा, और फिर फर्दर आपका लूप चलेगा और फिर अल्ट्रेशन बढ़ेगी, जैसे कि नेक्स्ट अल्ट्रेशन जाएंगे, ये नेक्स्ट नेक्स्ट अल्ट्रेशन कब चलते रहेंगे, जब तक चेंज ऑफ साइन आते रहेंगे, तो आपकी अल्ट्रेशन बढ़ती रहेगी और आपका जो फाइनल है, अदरवाइज आपका लूप जो है एंड रिटर्न, और फिर आप अपने जो है आपकी जो ये इक्वेशन, जैसे सपोज आपने ये लिए x की -x -4, इस पर आप रिटर्न हो जाओगे।